जय श्री कृष्ण मित्रों, हम श्री नामदास जी महाराज के जीवन की कथा का श्रवण कर रहे थे, जिस पे मैंने जो है दो वीडियो बनाई है। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप अगर आगे की कथा सुनना चाहते हैं तो उन कथाओं को भी अवश्य सुनिए, अगर आपने नहीं सुनी हो तो। आगे आगे कथा का श्रवण आगे कर बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। ये उनके जीवन का एक अति प्रसिद्ध प्रसंग है। जब उन्हें गुरु दीक्षा मिल चुकी थी और वो अपना जीवन निर्वाह भजन करके कर रहे थे, उसके पश्चात बहुत समय बीत गया। एक दिन श्री नावादास जी महाराज अपने गुरु अर्घदेव जी महाराज की ब्यार कर रहे थे। ब्यार करना मतलब होता है पंखा झलना, जैसे आपने देखा होगा ना कि हाथ वाले पंखे से हम पंखा करते हैं, इसी प्रकार। और श्री अग्रदेव जी महाराज मानसिक रूप से श्री प्रिया प्रीतम की सेवा में नियुक्त थे। वे मानसी में प्रिया लाल देव जी का श्रृंगार कर रहे थे, सुंदर पुष्पों की माला धारण कराना चाहते थे प्रिया लाल जी को। अभी पुष्पों की माला हाथ में ही लिए थे कि इतने में उनको एक झटका सा लगा। अग्रदेव जी महाराज को इतको झटका लगा और नाभा देव जी महाराज समझ गए कि गुरु जी की मानसिक सेवा में कोई विक्षेप कर रहा है। और ध्यान से देखा तो देखते ही क्या, दूर समुद्र में पुण्य गुरुदेव जी का ही एक शिष्य जो व्यापार करके समुद्र के जहाज से आ रहा था, उसका जहाज समुद्र में तूफान में गिर जाता है। और उस तूफान में गिरे हुए उस व्यापारी ने, उस शिष्य ने अपने पूज्य गुरुदेव जी को पुकारा है, गुरुदेव जी मेरी रक्षा करो, गुरुदेव मेरी रक्षा करो। इधर तो अग्रदेव जी महाराज प्रियालाल जी को पुष्प माला पहनाने को तैयार हैं और प्रियालाल जी सिर झुकाते हुए उधर शिष्य रक्षा के लिए पुकारता है। दोनों ही परिस्थिति एक ही समय में उत्पन्न हो गई थी। कहते हैं जितनी देर में श्री अग्रदेव जी महाराज जी निर्णय ले पाते, उतनी ही देर में तो श्री नाभादास जी महाराज ने जिस पंखे से वो अपने गुरु की हवा कर रहे थे, उसी पंखे की डंडी से गुरुदेव जी के शिष्य के जहाज को तूफान से निकालकर किनारे लगा देते हैं। और गुरुदेव जी से कहते हैं, सरकार आप प्रिया प्रीतम जी को कंठ में माला पधराओ, शिष्य अब संकट से निकल गया है। जैसे ही ये शब्द श्री अग्रदेव जी महाराज जी के कानों में गया, वे बोले, कौन बोला, कौन मेरी मानसिक सेवा तक पहुंच गया। चरणों में श्री नावादास जी महाराज खड़े हैं, हाथ जोड़ श्री चरणों में बैठ कर बोले, हे प्रभु, आपने जो प्रिया प्रीतम के लिए मानसी में जो सुंदर पुष्प की माला बनाई है, उसे उनके श्री कंठ में पधारे। मैं कोई और नहीं, आपका ही शिष्य हूँ, जिसे आपने संतों के प्रसाद देकर पाला है, वही बोलता हूँ। जब गुरुदेव मानसी से बाहर आए, तब उन्होंने श्री नाभादास जी से कहा, नाभा, अब तुम्हारे जीवन की एकमात्र सेवा में ही है कि श्री हरि के प्यारे दुलारे भक्तों के चरित्र का लेखन आरंभ करो, वर्णन आरंभ करो, ऐसा पवित्र ग्रंथ की रचना करो जिसमें श्री हरि के प्यारे भक्तों को एक साथ वर्णन हो जाए। आपने इतनी बड़ी सेवा मुझ जैसे दास को दे दी, मुझे लगता नहीं मैं इस सेवा को निभा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि भक्तों के तो बड़े विलक्षण भाव हैं, जिसका वर्णन तो बड़ा ही मुश्किल कार्य है। किसी भक्त की किसी अन्य भक्त से तुलना नहीं की जा सकती। कौन भक्त किस भाव से श्री ठाकुर जी को प्राप्त कर रहा है, मैं कहाँ तक भक्तों के भावों को संजो पाऊंगा। भगवान के स्वरूप का वर्णन करना तो फिर भी सहज है, किंतु उनके भक्तों का, उनके प्रति भावों का वर्णन करना तो बड़ा ही असहज है। गुरुदेव, आप कृपा करें, मुझे लगता है नहीं इस सेवा के लिए मैं योग्य पात्र हूँ। गुरुदेव कहते हैं, ये कार्य तो तुम्हारे द्वारा ही संपादित होना है, ये तो पूर्व निश्चित है। तुम कहते हो भक्तों के भाव को कहाँ तक संजोगे, मेरा विश्वास है कि तुम्हें तो केवल ध्यान में बैठना है। एक एक भक्त तुम्हारे सामने प्रकट होके अपने जीवन के चरित्र का वर्णन तुम्हारे सामने करेगा। जिन्होंने मेरी मानसिक सेवा तक तुम्हें पहुंचा दिया, जिन संतों की कृपा से तुम अपने गुरु की मानसिक सेवा तक पहुंच गए, वो संतों की कृपा तुम्हारे द्वारा इस कार्य को संपन्न कराएगी।
इस प्रकार प्रियालाल और किशोरी जी की अनुपम कृपा, गुरुदेव संत जनों की कृपा से श्री नावादास जी महाराज अत्यंत पावन प्रसिद्ध ग्रंथ श्री भक्तमाल की रचना करते हैं। भक्तमाल के विषय में ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी किसी के घर में अगर भक्तमाल की पोथी विराजमान होती है तो उस घर में स्वयं ठाकुर जी अपने सभी भक्तों के साथ सदा विराजित रहते हैं। अगर भक्तमाल की पवित्र ग्रंथ को किसी मरते हुए व्यक्ति कंठ की छाती पर दिया तो उसे भी यमदूत नहीं सताते, उसे भी श्री भगवान के अनंत भक्तों के दर्शन की प्राप्ति होती है। इस संबंध में भी एक अत्यंत विशेष और प्रभावी कथा भी है। तो ऐसे पवित्र ग्रंथ श्री भक्तमाल की जय और उनको रचने वाले श्री नावादास जी महाराज की जय। मैंने इस भक्तमाल कथा की पोथी में से दो भक्तों के चरित्र का चित्रण भी सुनाया है, तो आप उनकी कथा अवश्य सुने। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।